नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल में सारे वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग चलने वाले हैं, कुछ एंजॉय करने वाले हैं और मैं ड्राइविंग सीखने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो ड्राइविंग, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और कभी ट्राई भी किया है तो एक आध बार 5-10 मिनट के लिए। सो अभी यहीं पर है साइड में चाचा जी का ड्राइविंग स्कूल, सो वहाँ जाएंगे हम लोग सीखेंगे। तो बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए, ये है साइड में बस। सो अगर आपको भी सीखना हो तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, हियर इट इज। ये देखिए तो ये है हमारे भैया इंस्ट्रक्टर ट्रेनर जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तेल पिलाने के बाद भी ये चल नहीं रही है, अभी इनमें कल ही नई बैटरी लगाया गया है। सो कुछ देर बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद पुशिंग पुलिंग वाला काम हो सकता है इसके साथ, फिर में भी चले, उसके बाद चलते हैं। ये देखिए टायर्स में जो है प्रेशर कम है तो अभी हवा भी डला नहीं इसमें। ना अल्टो 800 वेरी रिलायबल कार, बट दिस टाइम इट इज नॉट वर्किंग वेरी फाइन। सो एट आफ्टर फाइनल पुश एंड पुल, कुछ खेलने के बाद पुश करने के बाद वो स्टार्ट हो गई है मैडम। हमें थोड़ी सी हवा डालनी है बिकॉज उसको लेके जाना है हवा डलानी, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बंद थी क्योंकि बैटरी उसकी सही नहीं थी। तो अभी डलाएं हम लोग, जा रहे हैं उसके बाद फिर कुछ लोग आएंगे। काफ़ी सारे लोग आके जो है लौट गए, उनको ड्राइविंग सीख रही थी बट एक्चुअली कार ही नहीं वर्क कर रही थी सही से। सो ये देखिए पंप, कोई देसी जुगाड़ लगाया जाएगा, देखते क्या होता है। तो भैया ये स्टार्ट हो गई है, इसमें हवा डालने की कोशिश, हवा हवा डाल रहे हैं। हमारे को ट्रेनर हैं कार को साइकिल के पंप से हवा भरते हुए जा रहा है, कुछ जा रहा है। ये जाने भर का हो जाए बस, तो उसके बाद अपना जुगाड़ चलेगा। सिचुएशन जो है बस से भी ज्यादा बदतर हो गई है, आप देख सकते हैं इंसान में से इसमें से धुआं निकल रहा है। टायर का प्रेशर इस तरफ देखिए आप, इधर जल गया एकदम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा भरना है, जाने भर का हो जाए उसके बाद हम लोग ये उतना खींच लिया जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा टायर प्रेशर सही तो हो जाए। ये देखिए आप इतना कम यहाँ हो गया है और वहाँ भी। अरे अरे निकालो मत मेरी जान, बहुत कोशिश चल रही है यहाँ पे, भरसक प्रयासों द्वारा इसको बनाया जा रहा है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं फिर से इनका ये कंटिन्यू हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप भरसक प्रयासों द्वारा पंप जो है काफ़ी गर्म हो गई है, बाईसाइकिल वाली पंप से हम लोग टायर में हवा भर रहे थे, हालत खस्ता हो गई और भाई ने ज़्यादा मेहनत करी। अब इसको मैं अपने घर में रख देता हूँ, उसके बाद फ़िलहाल फिर हम चलते हैं सीखने के लिए। सो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चला जा रहा है, अब जा रहे हैं उसमें प्रेशर डलवाएंगे एंड पेट्रोल भी डलवाना है। सो पेट्रोल भी डलवाएंगे उसमें, उसके बाद फिर दैट विल बी रेडी फॉर ड्राइविंग। और ये वो ब्लॉगिंग में आ रहा था, बंद कर दिया ये देखिए इसको, जान नहीं दे रहा क्या कहते राउंडिंग के बाद। बहुत हालत हालत खस्ता है, ये देखिए नहर में जा रही है इसका टायर। चलिए नहर में ले जाने की कोशिश,
काफ़ी प्रयासों के बाद जो है ये मंजर हमारे सामने आया है और अब बैठने के लिए तैयार। तो लैम्बोर्गिनी ये और ये डैश, ये कैम इन द डैशबोर्ड बेबी, चलो। मेरा प्लास क्लच है और ब्रेक है, अपने नीचे क्लच और ब्रेक दोनों हैं, मैं दोनों का यूज़ कर सकता हूँ। एक भाई के पास है और एक अपने पास है, सभी हम लोग भी सीखेंगे, बट इसमें जो टायर प्रेशर है वो सही हो जाए क्योंकि कभी हमने ट्राई नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ओ अरे भाई रे, ए भैया ऐसे ना करो। अरे यार इतना खतरनाक टर्न मार रहे, बताओ ये देखो मेरे पास ब्रेक है भैया, ये पलटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा सल्टा। और बहुत रेस ड्राइविंग यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें। भाई बताया जैसे तो हम क्या। और ये देखिए मेरे पैरों के नीचे जो हैं ये सारे क्लच और ब्रेक हैं, और मैं यहाँ पे ऐसे पैर लगाता हूँ तो नीचे चला जाता है, मैं सोचता हूँ कैसे नीचे चला गया भाई। रोड पे चला छोड़ हमारे ड्राइवर। अरे तो ऐसे भाई लेके जा रहे थे कार डिजायर, उसके बाद बीच में एक कुत्ता आ गया 70-80 की स्पीड थी, नीचे घुस गया, उनका रेडी वाटर वगैरह खराब हो गया, उनका समझ लीजिए 10-12 हज़ार का फटका लग गया। वैसे ये भी हो सकता है अगर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा हो, कुत्ता नीचे गया तो काफ़ी अच्छा फटका लगता है। नीचे जाए फिर चटकिन जाए कुत्ता। फाइनली वी हैव रीच्ड जोन और डेस्टिनेशन, और ये हवा भरने का काम मैं आपको दिखा देता हूँ करके नीचे। तो फ्रेंड लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया। बात कुछ ऐसी थी कि हम लोग अभी मॉर्निंग में गए थे जब बाइक से, सो बॉटल लेके गए थे तो बॉटल में पेट्रोल दे नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों ने टैंक में लिया था, फिर वापस काम गाड़ी की टैंक से निकाल के आधा लीटर पेट्रोल डाला और भाई 2-3 किलोमीटर के अंदर ख़त्म हो गया। वो कैसे ख़त्म हो गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब क्या किया जाए। तीनों लोग यहाँ पे चले आए, घर पे कोई है भी नहीं जिसको बुला सके, सो अभी ही इज़ ट्राइंग। अरे यार कैसे हो जाए, तो देखिए अब कैसे होगा। 5 लीटर वाला डिब्बा भी नहीं किसी के पास, बहुत प्रॉब्लम में आएंगे हम लोग, बहुत प्रॉब्लम में। और ये पेट्रोल ख़त्म हो जा रहा है हमारा, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का सलूशन सोचते हुए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। खेला और कहाँ बैठे खेला, खेल के 1 किलोमीटर गोल लिख जाए भाई। अरे वह मुझे ढला नहीं है, अरे मुँह तक पहुँच जाए सही में, अगर तनिक ठेल दे पहुँच जाए सही कहा। अब भाई इसको फिर से पुश करना पड़ेगा। रास्ता ना स्टार्ट होती है यार ये फिर से ट्राइट एंड गेट इट। सो आप देख रहे हैं आपको सुनाना काम है क्योंकि इसको अभी साइड में लगाना है, और ये साइड में लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीछे से कोई व्हीकल आएगी तो काम अपना सही नहीं होगा। और ये मैं इसको इस तरह से रोटेट कर लेता हूँ तो ठेलते इसको कौन 1 किलोमीटर लेके जाएगा। 1 किलोमीटर इसको साइड में लगा लो, यार नहीं आप इसको साइड में लगा लीजिए पहले, उसके बाद काम होगा दूसरा। सो प्रॉब्लम आर अराइविंग हियर एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है भैया, और पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से अरे पीछे जा रही भैया फैसल में, और ठेलाई हो रही है भैया 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएगी। ऑर्डर करा लो यार 1 किलोमीटर के अंदर, द पोसिंग इज स्टिल कंटिन्यू एंड वी विल गो फॉर 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। क्या मजा आ रही है, और ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये ड्राइवर ही
आज इसी के अंदर बात इंतजाम और ये प्रबंध ये तो कहिए जो खेलता हूँ कमान पोशेट पोशेट।